है तो ना तो शहर का रहता है, ना तो गांव का रहता है, ना तो खेत का रहता है। सही बात है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे? नौजवानों का भविष्य तो तभी सुरक्षित रह सकता है जब व्यवसाय के मौके बने, रोजगार के मौके बने। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने उद्योग लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। मालनपुर जाइएगा, देखिएगा, उसके दुगने बंद हो गए। इतनी शान से हमने मालनपुर बनाया था चौपट, कोई मध्य प्रदेश में निवेश लाने को तैयार नहीं, कोई मध्य प्रदेश में निवेश लाने को तैयार नहीं। और मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, जिसको तमिलनाडु और केरला में अपना सामान बेचना है वो पंजाब और हरियाणा में अपना कारखाना नहीं लगाएगा, वो आएगा मुरैना में आएगा अपना कारखाना लगाने। पर वो तभी आएगा जब उसको उस प्रदेश पर विश्वास हो। आप भी उस दुकान में तब जाओगे जब आपको उस दुकान में विश्वास हो। मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध छोड़ा, कौन सा पाप मैंने किया कि मैं मध्य प्रदेश की एक छवि बनाना चाहता हूं, ऐसी विश्वास का चेहरा बने, लोग आए। और दूध की बात तो आप जानते हैं, मैं किसानों को क्या समझाऊं। एक एक बात समझ लीजिए। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, नौजवानों भविष्य आपका है, आप करेंगे निर्माण, मेरा साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे देना, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई देख लीजिए, सच्चाई देख लीजिए और सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई ही आपका भविष्य सुरक्षित रख सकती है। और हमारी लड़ाई सच्चाई के लिए है, और यही सच्चाई हमें विजय बनाएगी, हमारा भविष्य को सुरक्षित रखेगी। अगर आप सबका सालों की लड़ाई लड़ेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।